आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देते हैं, वो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। जब भी आप या आपका स्पाउस कनाडा में होता है और आप अपने होम कंट्री में होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है जिसमें कोई और ये इस चीज़ को नहीं समझ सकता। सो इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल पुट करते हैं, तो ये मेक श्योर करें कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपके अप्रूव होने का परसेंटेज बढ़ सकता है, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपकी अपनी गलती की वजह से आप अपना वीज़ा रिजेक्ट करवा देते हैं। जैसे कि आपने कोई एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया और फिर आपको 5 महीने और वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो अभी वीज़ा की टाइमलाइन चल रही है वो समवेयर अराउंड 150 to 160 days है। सो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, आज इस वीडियो में मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करूँगा जो आपको कैनेडा स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए लगाने हैं। सो जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हैं आपके अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो आप सारे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाएं। नंबर 2 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अगर आपने कहीं पे काम किया है। सो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है, चाहे वो 6 महीने का है, 1 साल का है, 5 साल का है, तो आप अपने सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट लेटर इकट्ठे कर ले और आप वो अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर्स को अपनी फाइल में ऐड करें। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, वो है पासपोर्ट और आपके ID प्रूफ। सो अगर आपके पास कोई और ID प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपने एड्रेस प्रूफ में यूज़ करते हैं, सो आपको अपना ID प्रूफ यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 2 main concerns आते हैं, हाउ यू विल प्रूफ योर होम टाइज, कि आपके इंडिया के टाइज क्या है, तो इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे कि अगर आपके पास इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, आपके स्पाउस के नेम पर है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके फैमिली के नेम पर है, तो कोशिश करिए आप उस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करें और आप ये बता सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को या आपका स्पाउस उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, तो अल्टीमेटली वो ये होगा कि यू हैव फैमिली टाइज टू योर होम कंट्री। अदर देन दैट, अगर आपके कोई ऑब्लिगेशन है आपकी कंट्री में, जैसे कि आपकी कोई इंश्योरेंस प्लान चल रहा है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोई ऐसी चीज़ ले रखी है, या आपने अपनी कोई कार परचेज कर रखी है आपके नाम पर है, तो उसका भी आपके कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एनुअली उसका इंश्योरेंस पे कर रहे होगे, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपको लगाने चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 documents इस फोकस पर लगाने चाहिए दैट सेज कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टाई टू योर होम कंट्री। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट में आपका मूवेबल फंड्स मेनली काउंट होता है कि आपके पास लिक्विड फंड्स है या नहीं है। जैसे कि हमने स्टडी परमिट में भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी लिक्विड फंड्स में नहीं काउंट होती बिकॉज यू कैन नॉट सेल इट ऑफ। सो आप ये कोशिश करें कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट 10 lakhs, जैसे जो कि आपका समवेयर अराउंड $15,000 होता है, तो एटलीस्ट आपके पास उतना फंड्स तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपना CA से फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सो नीचे लिंक में मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसको आप फॉलो करके अपना CA स्टेटमेंट एक बिल्ड करवा सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स दिखा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपनी ITR लगानी है। तो अगर आपने इंडिया में इनकम टैक्स फाइल किया है, तो आप वो इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। आपके पास कोई पॉलिसी है, तो आप वो पॉलिसीज लगा सकते हैं। शेयर्स जो अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जो ऑलरेडी अभी कनाडा में हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स में आप उनका वर्क परमिट लगा सकते हैं। अगर उनके पास स्टडी परमिट पर है वो, तो आप उनका स्टडी परमिट लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास, अगर आप कॉलेज में हैं, तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगा, एनरोलमेंट लेटर होगा, तो वो अप्लाई करिए। ये मेक श्योर करिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है कि आप अपनी पुरानी ट्रांसक्रिप्ट लगा देते हैं, कि जैसे आपने लास्ट क्वार्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगा दी या आपने लास्ट हाफ ईयर की ट्रांसक्रिप्ट लगा दी, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो मेक श्योर करें आपकी लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट हो, जो ये प्रूफ करे कि आप इस समय एट द मोमेंट आप फुल टाइम स्टूडेंट हो। तो जो भी आपका करंट क्वार्टर या सेमेस्टर जो भी चल रहा है, उसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और वो क्वार्टर तब तक पूरा होगा, तो ये सब डिटेल्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट में होनी चाहिए। जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में होने चाहिए। सो अगर आपके पास इंडिया से या किसी और होम कंट्री से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इंग्लिश में नहीं है या फ्रेंच में नहीं है, तो आपको उसको एक ट्रांसलेटर के थ्रू अटेस्ट करवा के, ट्रांसलेट करवा के अटेस्ट करवाना होता है। सो दीज आर सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। सो IRCC की वेबसाइट पर हर जगह के लिए ऑथोराइज्ड
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो आप IRCC की वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके आप चेक करिए कि आप कौन से मेडिकल सेंटर पे जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। और अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पर, हाउ यू विल प्रूव योर रिलेशनशिप। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आप जेन्युइन कपल हैं और आपने कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं किया है जस्ट इस वीज़ा के लिए। सो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोट करिए कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से नहीं होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है और मैं मैरिज सर्टिफिकेट को सिर्फ लगाऊंगा और मेरा रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और लगाने होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको एटलीस्ट 10-15 फैमिली फ़ोटोग्राफ्स लगानी है। सो अलग अलग टाइम के फ़ोटोग्राफ्स लगाइए। जैसे अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो आप अपने शादी की, अपनी एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। आप कहीं घूमने गए हैं, आप वहाँ की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा लंबा रिलेशनशिप है ओवर द ईयर्स 4-5 साल का, तो आपके पास डेफिनेटली कुछ फ़ोटोज़ होंगी। आपके बर्थडे पार्टीज़ हुई हैं, आपके फादर का बर्थडे था, मदर का बर्थडे था, क्या आप किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे गए हो, तो आपके पास वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो आप ऐसे डिफरेंट फ़ोटोज़ लगाइए, और उसमें आपको 2-3 चीज़ें और मेंशन करनी होती हैं। एक तो ये कि आपने वो फ़ोटो कब लिया था, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उस फ़ोटो में कौन कौन है। अब डेफिनेटली ये मत करिएगा कि सिर्फ अपना हस्बैंड वाइफ का फ़ोटो लगा दें। कोशिश करिए कि फैमिली मेम्बर्स जिसमें हों, कुछ फ़ोटोज़ ऐसी भी हों, तो उसमें वो कौन कौन है, वो फ़ोटो कब लिया गया था। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने अपना स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगाया था, तो मैं हम 2-3 जगह घूमने जा चुके थे उससे पहले, तो मैंने वो 2-3 जगहों का फ़ोटो लगाया था। हम हर साल एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते थे, तो मैंने हर जगह का 2-3 फ़ोटो वैसे लगाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 2-3 अपनी शादी के फ़ोटो लगाए, मैंने 1-2 अपनी एंगेजमेंट का फ़ोटो लगाया कि ये इस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, इस ईयर में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, इस ईयर में हमारी शादी हुई, इस ईयर में हम घूमने गए। और उसके अलावा मैंने, जैसे हम कहीं पे वेडिंग पे जाते थे तो वो फ़ोटो लगा दिया, जैसे हमारे फैमिली में किसी का बर्थडे है या कुछ गेट टुगेदर हुआ या न्यू ईयर पे हमने कुछ किया तो उसका फ़ोटोज़। तो ऐसे करके मैंने अपने 10-15 फ़ोटोज़ उनको लगा कर दिए थे। तो ये मेक श्योर करिए आप अपनी ये फ़ोटोज़ ज़रूर दें उनको। सेकेंड थिंग है कि आपका उनको फैमिली विटनेस चाहिए ऑफ़ योर रिलेशनशिप। तो ये फैमिली विटनेस क्या होता है कि आप अपने किसी रिलेटिव, जैसे आप अपने मदर फादर हो गया, सिस्टर ब्रदर हो गया, कोई हो गया, तो आप ये फैमिली वाला एक लेटर लिखता है कि दैट हाँ कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है, आपने वो शादी अटेंड करी थी। और ऐसा आप छोटा सा एक लेटर बना सकते हैं। मैं आपको वो लेटर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक सैम्पल लेटर, तो उसको देख के आप अपना एक लेटर बना सकते हैं। सो ये आप एटलीस्ट 2 लेटर लगाएं, एक अपने तरफ से और एक अपने पार्टनर की तरफ से। अगली चीज़ जो मैं बात करूँगा वो है कि रिलेशनशिप लेटर। सो आपको भी अपना एक लेटर लिखना है। जैसा मैं और मेरी वाइफ का जो रिलेशनशिप था वो समवेयर अराउंड 10-12 ईयर्स का था, तो मैंने जनरली हम ऐसा लिखते थे, लिखा मैंने अपने उसमें कि जैसे एक तो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग का लिख दिया कि हम कब मिले, कैसे मिले, और फिर कैसे हमें घूमना पसंद है दोनों को, हम घूमने जाना चाहते हैं, हम ऐसे 3-4 ट्रिप्स पे गए, कुछ 1-2 मेमोरेबल मोमेंट्स लिख देते हैं। ऑब्वियसली आप इंटीमेट मोमेंट्स नहीं लिखेंगे, बट आप नॉर्मल कि अच्छा हाँ ठीक है, हम वहाँ गए थे तो उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी और उसमें उसको लगा कि हमें यहाँ पे दोबारा आना है, और वो हर बार मुझसे यही बोलती है कि दैट व्हेन वी विल गो बैक टू दैट प्लेस अगेन। सो ऐसे करके आप कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा पर्सनल टच देके। एक आपको अपना रिलेशनशिप लेटर भी बनाना है, तो एक ये लेटर आप लिखेंगे और एक आपके ये स्पाउस की तरफ से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने शेयर्ड एविडेंस देने हैं कि आप एक ही एड्रेस पे रहते हैं, और ये भी एटलीस्ट 2 होने चाहिए। मतलब एक एड्रेस अगर आपने दे दिया कि चलो ये हमारा ID प्रूफ हो गया और ये काफ़ी है, तो नहीं है। सो एक चीज़ तो हो गया ID प्रूफ, तो अगर आपके पास सेम एड्रेस का ID प्रूफ है आप वो लगा सकते हैं। दूसरा हो गया बैंक स्टेटमेंट। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि आपका शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं। घर आपके दोनों के नाम पर है तो उसका कुछ लीज हो गया या रेंट रिसीट हो गई, वो आप लगा सकते हैं। यूटिलिटी बिल है अगर उस घर पे बाय चांस कुछ बिल आपके नाम पर हैं, कुछ बिल आपके स्पाउस के नाम पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट बिल आपके नाम पर आता है और मोबाइल बिल आपके स्पाउस के नाम पर होता है और एड्रेस दोनों में सेम है, तो ये प्रूफ करता है कि दैट यू आर शेयरिंग योर एक्सपेंसेस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने बैंक अकाउंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अर्निंग नहीं है और आपका स्पाउस ही कमाता था, तो कोशिश करिए आप बैंक अकाउंट को जॉइंट अकाउंट करवा लीजिए। तो बिफोर अगर आपका स्पाउस अभी ट्रैवल कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि एक अकाउंट ऐसा करिए जिसमें आप अपना जॉइंट अकाउंट करा ले, तो जब भी आपको स्पाउजल ओपन वर्क परमिट लगाना होगा, आप उसकी स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो दोनों का नाम आ जाएगा उसमें। सो दैट इज़ अ वेरी सॉलिड प्रूफ कि आप दोनों जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वरना अदरवाइज कोई अपने बैंक अकाउंट में किसी को ऐड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा यूटिलिटी बिल अगर आपके पास है तो यूटिलिटी बिल लगाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है जो आप लगा सकते हैं, वो है आपके ऑनलाइन शॉपिंग के बिल। जैसे आपने अमेज़ॉन पे शॉपिंग करी है, सो आप एक एड्रेस पर हो दोनों, तो अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप 2-3 चीज़ें मंगा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप वो बिल भी लगा सकते हैं, वो इनवॉइस लगा सकते हैं, जो ये प्रूफ करेगा कि आप दोनों सेम ही एड्रेस पर रहते हैं। और इसके एटलीस्ट आपको 2 प्रूफ्स लगाने हैं।
यू ऑल्सो हैव टू शोकेस योर प्रोफाइल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया. सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आपका अभी तक सिंगल शो कर रहा है, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे आपकी फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, तो एक तो उन पर आप अपनी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं दोनों की, तो आप वो अपनी जॉइंट फ़ोटोज़ कुछ 3-4 फोटोज़ आप अलग अलग टाइम की आप वो स्क्रीनशॉट लगाइए. अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें अपने स्पाउस का स्टेटस लिख सकते हैं कि जैसे उसमें एक ऑप्शन आता है कि मैरिड टू, और आप बंदे आप उसका पर्सन का नाम लिख सकते हैं. तो ये 2-3 चीज़ें आप अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करके रखिए. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपको लगाने के लिए. और गाइस घबराइए मत, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं सो 99.99% आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है सो फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरी अगर आप अबाउट अस सेक्शन में जाके ईमेल आईडी लेते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आप लोगों का क्वेश्चन को आंसर करने में. थैंक यू. आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हैव अ गुड वन. बाय बाय.